मान्यवर, देश की आन बान शान की भूमि राजस्थान के पीडीएस सेकेंडरी स्कूल की कक्षा 10वीं की छात्रा यशश्री यहाँ उपस्थित है और आपसे मार्गदर्शन चाहती है। अपना प्रश्न पूछिए यशश्री। गुड मॉर्निंग सर, आई यशश्री फ्रॉम स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल राजस्थान। माय क्लासमेट्स एंड आई आर अपीयरिंग फॉर बोर्ड एग्जाम्स दिस ईयर। तो इसके बारे में हमारा बहुत बार मूड ऑफ हो जाता है, सो सर प्लीज मोटिवेट अस एंड गिव सम सजेशंस टू फेस द एग्जाम्स विदाउट एनी स्ट्रेस एंड नर्वसनेस। थैंक यू। धन्यवाद यशश्री। माननीय प्रधानमंत्री जी, यशश्री यह जानना चाहती है कि बोर्ड की परीक्षाओं के विचार उनका मूड ऑफ कर देता है, वह कैसे अपने आप को परिश्रम करने के लिए प्रेरित करे। मैं सोच रहा था नौजवानों का तो मूड ऑफ होना ही नहीं चाहिए। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि मूड ऑफ क्यों होता है? अपने खुद के कारण से कि बाहर की परिस्थिति से? ज्यादातर आपने देखा होगा कि अधिकतम केस में दिमाग खराब होता है, मूड ऑफ हो जाता है, काम करने का मन नहीं करता है, उसमें बाहर की परिस्थितियां ज्यादा जिम्मेवार होती हैं। जैसे माँ ने, आपने माँ को कहा कि माँ मैं पढ़ रहा हूं, 6 बजे मुझे कुछ चाय वगैरह मिल जाए, देखना। फिर आप पढ़ रहे हैं बड़ी मस्ती से, लेकिन बीच बीच में घड़ी देखते हैं, 6 बजे कि नहीं बजे। तो गड़बड़ वहीं से शुरू होती है और फिर माँ को आने में देर हो गई, वो 15 मिनट अंदर से तूफान खड़ा हो जाता है। माँ समझती क्या है, उसको समझ नहीं है, मेरी 10वीं की एग्जाम है, मुझे पढ़ना है, मैंने 6 बजे चाय के लिए बोला था। मूड पक्का यही होता है ना। अब सोचने का तरीका दूसरा, ये सब हुआ लेकिन अगर आपने ये सोचा, अरे माँ इतनी मेहनत करती है, मेरी इतनी चिंता करती है, जरूर कुछ हुआ होगा कि माँ 6 बजे चाय नहीं ले पाई, तकलीफ में होगी, मैं जरा देखूं माँ को कुछ हुआ तो नहीं है, मुझे बताइए मूड ऑफ होगा कि मूड चार्ज हो जाएगा? क्यों? क्योंकि आपने अपनी अपेक्षा को इतना अपने साथ नहीं जोड़ दिया कि जिसके कारण वो अपेक्षा पूरी न होते ही एकदम से मूड डाउन हो जाता है। अगर हम आदत बना दें, आपने देखा होगा कि हम 5-6 दोस्तों ने कोई खेलने का कार्यक्रम बना दिया, खेलने के लिए जा रहे हैं, लेकिन एक साथी अभी आया नहीं, हम लोगों को जाना है, जल्दी जाना है। आपने देखा होगा कि उन 5 जो पहुंच गए हैं उसमें 2 ऐसे होंगे जो छटपटाएंगे, यार आया नहीं, यार आया नहीं, देखो लेट हो गया, देखो लेट हो गया, उनका दिमाग उसमें। 3 ऐसे हो गए, अरे यार छोड़ आएगा। अपना मन का कैसा हम मैनेजमेंट करते हैं, ये मूड का साथ। जहां तक मोटिवेशन एंड डिमोटिवेशन का सवाल है, जीवन में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको इन चीजों से गुजरना न पड़ता हो। हर किसी को इस दौर से गुजरना ही पड़ता है, बार बार गुजरना पड़ता है। कभी कुछ करने के लिए बहुत मोटिवेटेड होते हैं,
कभी एकदम से असफलता मिली तो डिमोटिवेट हो जाते हैं। अब आप देखिए चंद्रयान, आप सब रात को जाग रहे थे, हैं? चंद्रयान को भेजने में आपका कोई कंट्रीब्यूशन था क्या? नहीं था, लेकिन आप ऐसा ही मन लगा के बैठे बस जैसे आपने ही किया है, किया ऐसा होता था कि नहीं होता? और जब नहीं हुआ तो आप सबके सब साइंटिस्ट के बाहर और पूरा हिंदुस्तान एक प्रकार से डीमोटिवेट हो गया, नहीं हो गया था? अब सब रात को जाग रहे थे। कभी कभी विफलता हमको ऐसा कर देती है। उस दिन मैं भी वहां मौजूद था। कुछ लोगों ने मुझे, मैं आज सीक्रेट बताता हूं, कुछ लोगों ने मुझे बताया था कि मोदी जी आपको वहां इस कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए क्योंकि इसमें कोई श्योरिटी नहीं है, आप जाएंगे और फेल हो गया तो क्या करोगे। मैंने कहा इसीलिए मुझे जाना चाहिए। और जब लास्ट कुछ मिनट्स से मैं देख रहा था साइंटिस्टों के चेहरे पर बदलाव दिख रहा है, तनाव दिख रहा है, एक दूसरे की तरफ ऐसे ऐसे देख रहे हैं, तो मैं समझा कुछ अनहोनी, हम साइंटिस्ट तो है नहीं तो पूरा समझ तो आता नहीं था, लेकिन उनके चेहरे से लग रहा कुछ अनहोनी हो रही है। फिर थोड़ी देर में आकर के उन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा ठीक है आप ट्राई कर रहे हैं करिए, मैं बैठा हूँ। फिर एक 10 मिनट के बाद उन्होंने बताया साहब नहीं हो रहा है। तो फिर मैं कुछ साइंटिस्टों के साथ वहाँ बैठा, कुछ बातें की, अंदर भी जाकर के थोड़ा चक्कर लगाया, चिंता मत कीजिए ऐसा करके। फिर मैं रात को करीब 3 बज गए थे, मैं अपने होटल पे गया। लेकिन मैं चैन से बैठ नहीं पाया, सोने का मन नहीं करता था। हमारी जो पीएमओ की टीम है तो वो अपने कमरे में चली गई थी, आधा पौना घंटा ऐसे ही बिताया, मैं चक्कर काट रहा था। तो मैंने कहा ऐसा करो यार सबको बुलाओ। तो फिर जो बेचारे सो गए थे उनको बुलाया। मैंने कहा देखिए सुबह हमको जाना है लेकिन हम कार्यक्रम बदल कर देंगे, सुबह हम जल्दी नहीं जाएंगे, देर से जाएंगे। और इन साइंटिस्टों को रात के 3 बज गए हैं लेकिन क्या सुबह 7, 7:30, 8 बजे इकट्ठे हो सकते हैं क्या? मैं मिलना चाहता हूँ, मैं जा सकता था, सुबह उठ करके चला जाता और जिस देश में कोई नोटिस भी नहीं करता, कोई जरूरत भी नहीं थी। मैं खुद को समझा नहीं पा रहा था और इसलिए मैं सुबह उन साइंटिस्टों को फिर से इकट्ठा किया, मेरे भाव मैंने व्यक्त किए, उनके परिश्रम को जितनी सराहना की जा सकती है कि देश के सपनों की बातें की, एक पूरा माहौल बदल गया। और वहां बदला ऐसा नहीं, पूरे हिंदुस्तान का बदल गया। जिस घटना ने और बाद में क्या हुआ सब आपने टीवी पे देखा है, मैं कहना नहीं चाहता हूं। कहने का मतलब ये है कि हम विफलताओं में भी सफलता की शिक्षा पा सकते हैं। हर प्रयास में हम उत्साह भर सकते हैं और किसी चीज में आप विफल गए इसका मतलब ये है कि अब आप सफलता की ओर चल पड़े हैं। अगर वहीं रुक गए फिर तो कितने ही ट्रैक्टर लगा दे आपको खींचने के लिए नहीं निकल सकते हो, नहीं खुद तय करो तो आप निकल सकते हो। और इसलिए मोटिवेशन डीमोटिवेशन आपको मालूम होगा, 2001 में सर कलकत्ता में
इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच था, तब आप लोग तो आप में से कुछ लोग होंगे जिनका जन्म भी नहीं हुआ होगा। और ऐसी स्थिति हो गई, भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रही है, अभी ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ पर है, तो 2001 में ऑस्ट्रेलिया और भारत का कोलकाता में मैच था, फॉलो ऑन होना पड़ा, बुरे हाल थे, दोबारा खेलने आए तो फटाफट विकेट जाने लगी, सारा माहौल डीमोटिवेशन का था, ऑडियंस भी नाराजगी अपनी व्यक्त करती ही रहती है, भूल जाती है कि मेरे अपने खेल रहे हैं, जरा उत्साह बढ़ाओ, लेकिन तब ए क्या आउट हो गए देखो क्या है, ऐसा होता है। लेकिन आपको याद होगा राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण, इन दोनों ने उस पिच पर जो कमाल किया, ऐसे धीरे 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 तक शाम तक खेल को खींचते चले गए, सारी परिस्थिति को उलट कर दिया, इतना ही नहीं वो जीत करके आ गए मैच को। माहौल पूरा डिमोटिवेशन का था, लेकिन एक संकल्प, कैसे हार सकते हैं, जुट जाएंगे, जूझेंगे, बॉल एक एक बॉल के साथ खेल ताकत दिखाएंगे, परिणाम दिया। तो 2002 में भी आपने देखा होगा, भारत की टीम वेस्ट इंडीज खेलने गई थी, तो उस समय हमारे एक अच्छे बॉलर अनिल कुंबले, उनको एक बाउंसर से चोट आई और पूरा जड़वा टूट गया, काफ़ी पट्टियाँ वट्टियाँ बांध करके, और उसका पेन आप समझ सकते हैं, यहाँ जब चोट लगती है तो दांत में थोड़ा सा भी दर्द होता है कितना होता है। अब स्थिति ये थी कि अनिल बॉलिंग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने दर्द की परवाह नहीं की, रोते नहीं बैठे, अगर वो न भी खेलते तो देश उनको दोष नहीं देता, लेकिन उन्होंने तय किया नहीं, मेरा जिम्मा है, ठीक है दर्द होता है तो होता है, जितनी पट्टियां लगा सकते हैं लगाएं, मैदान में उतरे। और आपको पता होगा कि उस समय 12 की विकेट लेना यानी बड़ा अचीवमेंट माना जाता था, और ब्राउन लारा की विकेट लेकर के उन्होंने मैच का पूरा चित्र पलट दिया, यानी एक व्यक्ति का संकल्प औरों को भी मोटिवेशन का कितना बड़ा कारण बन जाता है। ऐसी अनेक घटनाएं आपके सामने होगी जिसको देख करके आप तय कर सकते हैं कि मैं इमोशंस को मैनेज करने का मेरा तरीका, उस पर देखने का मैं ऐसा कर कैसी तरीका है उस पर निर्भर करता है। अगर इसको हमने कर लिया तो मूड ऑफ होगा, लेकिन फिर भी आप पल दो पल में उसको मैनेज भी कर लेंगे, और फिर आप उसी स्वस्थ मन से अपनी बात को आगे बढ़ा सकेंगे। धन्यवाद आपको।